शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं। सरकार बसाती है, बल्कि अब हमने तय किया कि 55,000 रुपया प्रति विवाह पर हम खर्च करेंगे और बेटियों को एक छोटी गृहस्थी का सामान देंगे, जहाँ संभव है उनको और योजनाओं का लाभ देने का भी हम प्रयास करेंगे ताकि बेटियाँ सुखी रहें और बेटी बोझ ना मानी जाए। सर कमलनाथ पीके से मिले दिल्ली में और कल बैठक की, पांच नेताओं के साथ सर अमित शाह जी आ रहे हैं, अब मुझे निकलना है सर, बस कल मध्य प्रदेश का सौभाग्य है, केंद्रीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी मध्य प्रदेश पधार रहे हैं, भोपाल उनका स्वागत करने तैयार है। और गरीब की, विशेषकर हमारी जनजाति भाई बहनों की जिंदगी बदलने के तीन ऐसी सौगातें जो उनके हाथों से कल हमारे बहन भाइयों को मिलेगी, तेंदुपत्ते के बोनस का वितरण तो है ही, लेकिन अभी तक जो वनोपज होती थी विशेषकर इमारती लकड़ी वगैरह, उसकी पूरी आय सरकार के खजाने में आती थी, अब हमने तय किया कि उसका 20% हिस्सा वन समितियों को दिया जाएगा और वो ग्राम सभाओं के माध्यम से अपनी प्राथमिकता के आधार पर उनको खर्च कर पाएंगी। 925 गांव हमारे यहाँ वन ग्राम हैं और वह गरीब की जिंदगी, विशेषकर जनजाति भाई बहन या अन्य भी कोई रहता है, उनकी जिंदगी बड़ी कठिन है, वहाँ विकास के काम नहीं हो सकते, वहाँ योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकता। तो कल एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने का, और इसलिए एक बड़ी सौगात वन ग्राम के बहनों और भाइयों को मिलेगी। हमने एक अभियान प्रारंभ किया था जनजाति भाइयों और बहनों की जिंदगी बदलने का, 18 सितंबर को पिछले साल जबलपुर से क्रांतिकारी अमर शहीद शंकर शाह रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस से अब वो पूर्णता की तरफ बढ़ रहा है। पेशा एक्ट भी मध्य प्रदेश में लागू हो रहा है, सामुदायिक वन प्रबंधन अधिकार भी दिया जा रहा है, देवारण्य जैसी योजना, आजीविका के कई नए काम हमारे गरीब बहनों और भाइयों को दे रही है। तो ये जिंदगी बदलने का अभियान है जिसमें अमित शाह जी पधार रहे हैं। तो प्रशासन अकादमी में कार्यक्रम का आयोजन